हैं राना सनाउल्लाह साहब, ये हमारे साथ उनसे बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं वजीर आजम का करप्शन के खिलाफ वाज़े पैगाम है, कौम उनके साथ है, और आपकी करप्शन का तरीका जो फवाद चौधरी कहते हैं और आसिफ अली जरदारी करप्शन का तरीका एक है, बज़ाहिर वो कह रहे हैं दोनों एक है इस मामले में। देखें, अगर इन्होंने करप्शन खत्म करनी है तो फिर जो डाकू चोर इनके दाएं बाएं बैठे हैं और जो करप्शन इस वक्त हो रही है तो उसको पहले खत्म करेंगे। ये जहांगीर तरीन की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हुई, उसका हिसाब दें। वो जो इनकी अलीमा बाजी है जिसने वो सिलाई मशीन से अरबपति हो गई है, वो उसका हिसाब दें। इसी तरह से जो करप्शन इस वक्त ये कर रहे हैं उसका हिसाब दें। ये इन्होंने जो कोई तकरीबन कोई 13 अरब डॉलर जो है ये पिछले 7 माह में लोगों से जो है वो भीख मांगी है मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों से, उसका हिसाब दें वो कहाँ गया है। यानी एक तरफ जो है ये कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब्सिडी विड्रॉ कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो ये किस तरह से इन्होंने पूरे मुल्क की इकॉनमी को जो है इन्होंने तबाह कर दिया है और मुल्क को जो है ये डिफॉल्ट की तरफ जो है वो लेके चले गए हैं। डॉलर आप देख लें कि वो 150 को क्रॉस करता जो है वो नजर आ रहा है। तो राना साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं कि साउथ डार साहब ने डॉलर मसनूई तरीके से उसे ब्रेक लगाए रखा था और आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं वो पिछली हुकूमत का ही किया हुआ है। चले, अगर साउथ डार ने डॉलर को मसनूई ब्रेक लगाई हुई थी तो डॉलर क्या इनकी फुफी का बेटा है जिन्होंने वो ब्रेक खत्म करके डॉलर को ऊपर चढ़ा दिया? ये भी ब्रेक लगाए रखते, इन्होंने क्यों वो ब्रेक तोड़ी है? जी तो ट्रंप के साथ इनकी रिश्तेदारी है? या ये बताएं कि अनिल मुसर्रत ने जो वहां पे जो है वो डॉलर राना सनाउल्लाह और कमर जमान कह रहा हमारे साथ ही गुफ्तगू कर रहे हैं।